आ चुके हैं, मोगो एक हंट पर है और ये हंट दिक्कत दे सकता है। में है कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर, इकलौता कोई भी सर्कल में नहीं है, तो सबको जाना है। ऐसे में सीगोड एक प्लेयर को डाउन करेंगे, लेकिन डेल्टा पीजी उनका एक्सप्री आएगा, साथ के साथ टेक डाउन किया जाएगा। आप खत्म करने की कोशिश होगी, शोगन अंदर की तरफ को जाएंगे एंड प्लेयर को स्पॉट करके टेक डाउन करेंगे जरूर। उनके पास इस समय गोलियां कम बची है, रिलोड के ऊपर जाएंगे और एचपी भी खुद को हील करना पड़ेगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या वो जोन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इस समय? जोनाथन डेल्टा पीजी को टेक डाउन करते हुए शोगन को पता है कि उनके बिल्कुल सामने खिलाड़ी आ सकते हैं। पंक का ये मूवमेंट काफी सही हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से जो मॉली किया गया वो उनका खुद का विजन ब्लॉक कर देता है। हालांकि शोगन को पिक किया जाएगा, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फाइट को तैयार है। दो खिलाड़ियों ने काफी अच्छे तरीके से इस फाइट को संभाला, तीन टोटल फिनिशर निकाला और मोगो जो उनके और आ रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। एक और फाइट का आगाज होता हुआ क्या इस फाइट के लिए यहाँ पे तैयार, स्प्रे काफी अच्छा, एक के ऊपर ग्रेनेड, एक के ऊपर स्प्रे, पंक यहाँ पे दिखाते हुए कि किस तरीके से उनका क्लास है और इस क्लास का इस्तेमाल रेवन स्पोर्ट्स की तरफ कर रहे हैं। एक्सपर्ट बिल्कुल आगे की तरफ को मूव कर चुके हैं, स्प्रे गॉड विद अ ग्रेनेड, जोनाथन को टेक डाउन किया जाएगा। बट पंक का लोकेशन क्या अभी तक किसी को पता है? टीम एक्सपर्ट आगे मूव कर रही है, लेकिन ये आगे जाना साइडलाइंस का एंगल देख पाएगा। उस आईजीएल के दिमाग में खिचड़ी कौन सी पक रही है कौन जानता है? एक स्प्रे चीजें खराब कर सकता है। पंक टेक्स वन, पंक इज रेडी फॉर द अदर टू एज वेल। एक और खिलाड़ी की एचपी कम करी, लेकिन ओरंगुटान नजर आएगी जो इनफैक्ट मूव कर रही है। बट एडमिनो स्टार्ट किया, एक्विनॉक्स को डाउन किया ये समय, यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसी तरीके से टाइम बाय करने के लिए कि वो रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनो एक और नॉक निकाल लेंगे और टीम एंटिटी, दो खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है। पुश आता हुआ, चलिए ट्रेड तो निकला, ट्रॉय वापस से जीवित होके यहाँ पे फिनिशेस निकाल रहे हैं। एडमिनो भी खत्म हो चुके हैं, सोमराज की तरफ से वापस से वो कार्रवाई देखने को मिली। बट पंक किसी तरीके से यहाँ पे पूरा जिम्मा संभालना चाह रहे हैं। एक्विनॉक्स आए बट पीछे से यहाँ पे देखिए शॉट पड़ा, वो शॉटगन का फ्लिक एंड उनके सामने सोमराज, उनके साथ ट्रॉय, लेकिन जोनाथन एक ग्रेनेड जरूर करेंगे। ट्रॉय की एचपी थोड़ी सी कम हुई पड़ेगी, फाइटिंग जोनाथन इनके पोजीशन के बारे में वाकिफ हो चुके हैं एंटिटी के खिलाड़ी। ट्रॉय काफी ओपन में थे बट आप देखिए फर्स्ट एड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, और पीछे से लग रहा है एक और टीम आ रही है। टीम एक्सपर्ट आ रही है बिल्कुल उसी जगह पर फाइट लेने के लिए। एंटिटी के खिलाड़ी को दिक्कतें दी जा सकती है, एक्विनॉक्स को डाउन किया जाएगा, लेकिन सोमराज पहुंचे एंड इंस्टेंटली खत्म करा एक उसी का इस्तेमाल करके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जोनाथन को। बट और आईक्यू सोल के फेज मौके पे चौका लगा। अगली परेशानी टीम तमिलास के लिए क्या है? ठोके फोकस करना पड़ेगा, अलग अलग जाकर चीजें नहीं होंगी। बट जोनाथन एक बढ़िया स्प्रे और दो बड़े नॉक निकाले हैं, आईक्यू सोल का गेम खराब कर सकता है यह प्लेयर अकेले। ऑलमोस्ट कर भी दिया क्योंकि आप ये देखिए आईक्यू सोल के तीन खिलाड़ी यहाँ पे नॉक है, इकलौता एक खिलाड़ी बचा हुआ है मान्या एंड उनको भी यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। मान्या सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी नॉक्ड ऑफ थे, उनको तो फिनिश ऑफ कर दिया है। बट रिटेलिएशन में देखिए टीम तमिलास यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकता है। ज़ीगॉड एंड पंक के ऊपर अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे रिवाइव देना है, सर्कल में एंट्री भी लेना है एंड सामने जो टीम एक्सपर्ट खतरा है उनके साथ भी डील करना है। हो सकता है मौका मिल सकता है बट यहाँ पे शैडो काफी ज्यादा ओपन के अंदर है, इन्फॉर्मेशन पॉइंट भी यहाँ पे जो है निकाल लिया जाए। और वो दोनों ही खिलाड़ी हमें सर्कल के बाहर शायद फिनिश होते हुए देखने को मिल जाए। टीम आईक्यू सोल वर्सेस गॉड लाइक की जो कहानी अभी भी हमें देखने को मिल रही थी, उसके बीच में कार्निवल गेमिंग भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से नॉक के ऊपर चीजें निर्भर करने वाली है और उसी के साथ वो पहला नॉक नकुल निकालेंगे जी गॉड को। गाड़ी से यहाँ पे कुचला जा चुका है, जोनाथन प्लेस उनके बाहर ही खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है आउट नंबर हो चुके हैं दोनों ही खेमों की टीम और यहाँ से थर्ड पार्टी अगर कोई कर पाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्निवल गेमिंग एक अच्छा स्प्लिट यहाँ पे मेंटेन करके रखे और स्प्लिट का पूरा पूरा फायदा उठाया जाएगा।